वेलकम टू स्टाइल फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को एक लाइक कीजिए और मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिए। जी आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार से यम्मी से छोले, तो मैं आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। करती हूँ जी, मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया, जितना मुझे ऑयल का रखना है इसमें मैंने इतना ऑयल ले लिया। फिर इसके बाद मैंने इसमें कुछ डाल दिए हैं, क्या कहते हैं, ज़ीरा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला और सिर्फ मैंने ज़ीरे को इसमें सौते कर लिया। जैसे ही मेरा ज़ीरा सौते हो गया, मैंने इसमें डाली छोटी छोटी बारीक काट के प्याज, और प्याज को मुझे सौते भी नहीं करना, जस्ट मैंने इसको हल्का सा ऑयल में और करना है। और बस मैंने फिर इसमें डाल दिया, अब मैंने इसमें छोले डाल दिए। ठीक है ना, ब्लैक छोले ना, काले वाले छोले थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। मुझे प्याज को इसमें नहीं पकाना, ठीक है, प्याज की जो क्रिस्पनेस वो बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है, फिर मैंने इसमें थोड़े से एक आलू था मेरे पास, मैंने उसको बॉयल करके उसको मैश कर लिया और उसको भी इसमें शामिल कर दिया। बहुत ही मज़े का जायका देता है इसमें आलू, ज़रूर ट्राई करेगा ये रेसिपी। इसमें मैंने टमाटर लिया, एक टमाटर लिया, ये मेरा फ्रीज निकलौटी मावटा है जब इसका बेचारी की शक्ल इस तरह की हो गई है। ठीक है, इग्नोर। अच्छा, फिर मैंने इसमें इमली शामिल कर दी, इमली और चाट का मसाला इस तरह से शामिल करना है कि दोनों की इक्वलिटी हो जाए। ठीक है, फिर मैंने इसमें कुछ स्पाइसेस डाले, कुटी हुई मिर्ची डाली और नमक डाला और मैंने इसमें डाल दिया था चाट का मसाला। मैंने इसको किया मिक्स वेल, थोड़ा सा पानी डाला और इसको कर दिया कैप अंटिल कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, इस तरह का हो जाए कि मैं इसको डिश आउट कर लूँ। जी मैंने इसको कर दिया कैप्ड और विद इन 10 to 15 मिनट ये रेडी हो गया था। इसे डेकोरेट किया एंड मैंने इसके ऊपर डाल दी थोड़े से चिप्स। ठीक है ना, ये मेरे पास क्या कहते हैं, जो हमारे पास कहने चिप्स होती हैं जो हम फ्राई करते हैं, ये वाली चिप्स हैं। आप पापड़ भी डाल सकते हैं, मुझे चिप्स के साथ ये बहुत ही कुछ ऑसम लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी मेरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, मेरे चैनल को लाइक, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपका लाइक मैं गिफ्ट के तौर पर एक्सेप्ट करती हूँ। खुदा बरकत दे आपकी और मेरे खानों में। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।